أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مسلمان آدمی भी अल्लाह कोलों अपनी जरूरियात दिया हालतां विच मंगदा है। मुशरिक आदमी भी किसी न किसी सूरत दे अंदर अपने अल्लाह कोलों मंगदा है। चाहिए तो यह हा के दोनों किस्म दे ए फरीक अल्लाह दे दरबार विच मकबूल होंदे, अल्लाह कोलों मंगने वाला एक इंसान तो खुश नसीब है ते दूसरा इंसान जेड़ा अल्लाह कोलों मंग रहा है वो बहुत बड़ा बद नसीब है। इस वास्ते अल्लाह जल्ला जलालहू अम्मा नवालहू अज़्ज़ा बुरहानहू आला शानहू ने मुसलमान कौम वास्ते एक मियारी और मरकजी बयान शुरू कीता है कुरान पाक विच कि जेड़ा बद नसीब है वह क्यों बद नसीब है, हालांकि अल्लाह को मंग रहा है, तो जेड़ा खुश नसीब है वो क्यों खुश नसीब है, हालांकि वो भी तो अल्लाह पाक को मंग रहा है। इस फर्क नूं अल्लाह ने कुरान मुकद्दस विच मुसलमाना दी तंबीह वास्ते जिक्र फरमाया है, जिस दे विच यह मसला भी हल होंदा है कि एक बाप दा एक बेटा है या पांच बेटे हैं, कई बदनसीब हैं ते कई खुश नसीब हैं। बदनसीब हैं तो क्यों बदनसीब हैं, हालांकि बाप उन्हां दा भी उहो है। जे खुश नसीब हैं तो क्यों खुश नसीब हैं, हालांकि बाप तो उन्हां दा मुश्तरक है। मसला समझाया है कि आदमी दा अच्छा बुरा होना एक किरदार नाल होता है। किरदार अच्छा होवे अगर इंसान दा तो अपने किरदार दे सिर ते अल्लाह दे नजदीक इतना प्यारा है कि इतना अल्लाह नूं अर्श भी प्यारा नहीं। और किरदार दे लिहाज नाल एक आदमी इतना कभी ते बुरा है कि इतना शैतान भी कभी ते बुरा नहीं अल्लाह के दरबार। इस वास्ते मुसलमान कौम वास्ते अल्लाह ने जाबते ते कानून जिक्र कीते हैं जिस विच हजार हा मसले हल होते हैं।
बाद लोग आखदे के मैं फलाने खानदान दा आदमी हाँ, लिहाजा मेरिया बुराइयां लिखी ही नहीं वैदियां, क्योंकि साडे खानदान ते सादात ते बुजुर्गों का एक तकद्दस है कि असा बुराई करा है तो भी नेके लिखे दी है। उन्हों का मुकाला भी होंगे इस कानून नाल। बाद लोगों का ख्याल होंगे कि साडे अंदर अगर बुराइयां पाइया भी गई तो जेड़े बुजुर्ग के हाथ च साडा हाथ है या उन्हों का हाथ साडे सिर ते है, वह वहद्या पिछू इं थुडा मरे सिन ते चाहो कि असं बहिश्त लगे हुए सा, उन्हों का मुकाला भी होंगे। बाद लोगों का यह ख्याल होंगे कि जेड़े बजुर्गों की संगत च असा रले वधे हैं, यकीन है जो ये बजुर्ग जहन्नम च वहिंदे नहीं, तो यकीनन उठ लग गया तो नाल पूछ लो भी जेड़े दरवाजे चो ये टप वे सन असा उतो नाल पुछो, असा जो उन्होंने पूछो ला है। हजार हाल लोगों का मुकाला होंदा है इस कानून च कि इक्के खुदा दे सारे बंदे हैं, मगर एक बदनसीब है एक खुशनसीब है, इक्के बाप दे पुत्र हैं मगर एक लानती है ते एक मरहूम है। आखिर दी क्या वजह है? मालूम होता है कि किसी निस्बत नाल बंदे दा छुटकारा नहीं, किरदार नाल छुटकारा है। किरदार सही है तो रंग दा काला है थोड़े, जबान दा चिचरा है, होठ मोटे अखी छोटियां, किरदार दे चमकार चूंके दिल चिन्ह। इस वास्ते मुहम्मद पाक है बिलाल जल्दी आ मेरे सीने नाल लग वंज, मेरा हाथ ठहर वंजे। जे किरदार अच्छा नहीं तो सबके चाचे दी मैयत तू रो के मुहम्मद पाक हटदा है। कुरान भी पलटेंदा है उसके उत्ते, नबूवत भी पलटेंदा है, रहमत जबान भी पलटेंदा है, नाल नाल अपनी अखी वाली हंजू की रहमत भी पलटेंदा है, मगर रो के वापस हटदा है। तो अल्लाह फरमांदा है इन्ना का ला तहदी, तेरे हाथ च कशा है सही। ये निस्बता नाल छुटकारा आंदा तो तू फतरिया अपने चाचे नू कदा ही जहन्नम च न वंजन दे में आ। पर इत्थे कमाल किरदार दा है, ये चूंकि बद किरदार हा अबू तालिब, जलील ते ख्वार हा, इस वास्ते जहन्नम दा कुत्ता बन के भौंक ता सकदा है, तां मुहम्मद दी निस्बत नाल छुटकारा नहीं हो सकदा। अल्लाह ने मुसलमान कौम नू सबक सिखाया है कि निस्बता ना बनाओ कि मैं फलानी जमात दा हाँ, फलाने बजुर्ग इस जमात च, फलाना एडा बजुर्ग है, फलाने इतने उच्चे, ये इतनिया गल्लां करन नाल सिवा खले दे ते जहन्नम दे कुछ नसीब ना हो सके। अपना किरदार बनाओ कि केड़े किरदार की वजह तू अल्लाह खुश होंदा है, केड़े किरदार तू अल्लाह नाराज होंदा है। इसे वास्ते दिन के आमद दे अल्लाह खना वाला कद जे तुम उना फरादा कमा खलकना कम अव्वल मर्रा, वो कल्ले कल्ले आए खले वो मार का जमाता किथे ही नहीं थे, फिर के किथे ही नहीं, वो किधर गई हैं जमाता तोड़िया। कमा खलकना कुम अव्वल मर्रा, उन्ये मच्छू नंगे हो, उन्ये पौरू नंगे हो, उन्ये खतने कोई नहीं बैठे होए, अलफ तलफ नंगे धड़ंगे कल्ले कल्ले आ गए हो, तुहाडे रल्ले तो तुहाडे कपड़े ही कई नहीं, जमात किधे गई तुहाडे। हुफातन उरातन गुरला, पैरू नंगे, उरातन मच्छू गल्लू नंगे, गुरला तहोर ना बैठे होए, उन्ये तरह सब कुछ नाल वधाए। अल्लाह सी जेड़ा वो छिछड़ा गोश्त दा कतरा जेड़ा कप सटिया है दुनिया दे उत्ते, अज मैं तो उहो ही गोल गाल के सारा कुदरत नाल तुहाडे नाल ला छोड़िया है। हाय गंदा छिछड़ा गोश्त तो तुहाडे नाल है, मगर तेरा पीर तेरे नाल कोई नहीं, किथे यो मुश्किल कुशा ते हाजत रवा, किथे तेरा शाह साहब ते खान साहब ते मार साहब ते फलान साहब सारे वर गए ना उदाई जहन्नम च जिदू आके आया हन।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਖਿਆ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਣਸੀ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਬਣਸੀ। ਇਨ ਅਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦ ਅੱਲਾਹੇ ਅਤਕਾਕੁਮ, ਤਕਵੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਤਕਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਸਬਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਿਸਬਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮਲਹੂਬੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਐ ਸੁਨਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸਾਂ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਉਲਮਾ ਦੇਵਬੰਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵਾ ਸੰਮਾ ਕੁਮੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੂਤ ਕਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਲਕਦ ਜੇ ਤੁਮੂਨਾ ਫੁਰਾਦਾ ਕਮਾ ਖਲਕਨਾ ਕੁਮ ਅਵਲ ਮਰਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਅਲਫ ਤਲਫ ਨੰਗੇ ਨਬੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਧੜੰਗੇ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਦੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਲਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਸੀ ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਂਜੇ ਵੰਜ ਖਲੋਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਇਸ਼ਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਥੜੰਗਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਸੀ। ਆਖੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਹਯਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਜਿਲੇ ਹੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਬਕੇ ਤਾਂ ਹਯਾ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ? ਅਵਮਾ ਤਮਸ਼ੀ ਵਤ ਹਯਾ ਅਲੰਨਾਸੇ, ਤਾਂ ਹਯਾ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਦਿਮਾਗ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੌਲਦਾ ਖਲਾਉ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਨੂੰ ਉੱਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿਹੜਾ ਇਰਤਦਾਦ ਦੇ ਫਿੱਫਾਰਾ ਲਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਨਾਬਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੰਜਾਰ ਖੁਆਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਾਫਿਰ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਕਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਤ ਨਾਜ਼ ਕਰੋ ਫਲਾਣੀ ਜਮਾਤ ਨਾ, ਫਲਾਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਫਲਾਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੰਜ ਕੇ ਤਵੀਦ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਰ ਗਿਆਮ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਪਿਓ ਦਿਰ ਗਿਆਮ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਬਣਵਈਏ ਦਿਰ ਗਿਆਮ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਆਗਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪੇਛਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਅਕਰਮਕੁਮ ਇੰਦ ਅੱਲਾਹ ਅਤਕਾਕੁਮ, ਸਿਵਾ ਤਕਵੇ ਦੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਕਿਰਦਾਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹ ਠਿਕ ਜੁਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾ। ਜ਼ਰਬ ਅੱਲਾਹੁ ਮਸਲਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ ਇਮਰਾਤ ਫਿਰਾਉਨ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين। ਕਿਰਦਾਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਝ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਪੀਵਣ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਤਕੱਦਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਹਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਆ ਦੂਏ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤਿਜਾਰਤ ਤੇ ਜੋ ਵਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਇਹ 200 ਫਰਸਖ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਪਿਆਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ
दूजा दा वत वापस चलाए वह मच्छी बुढ़ मेहना हूँ वापस नहीं सवेंदे हूँ वो सबक पड़साए जेड़ा मुहम्मद दिता हा ते अल्लाह नाल गल करे ने ना को वसीला ना को हीला ना को छोटा ना को बड़ा उठाई आर के अपने अल्लाह नाल गल कीती ने ते कीती अजीब तौर उते ने दुनिया इसनू मनन वास्ते तैयार नहीं एक आदा अल्लाहुम्मा इन्नका अंतस साहिबो फिस सफर वल खलीफतो फिल अहल वल माल ए मेरा अल्लाह जे सानू चेता भूल गया तो तेनू तो भूलन की आदत कैसे चुट दियां गल्लां करे जे असानू चेता भूल गया तो तेनू चेते भूलन की आदत कोई नहीं जे असा हुण पिछा पहुंच नहीं सकते तो तेनू तो भजन थुकन की आदत कोई नहीं इस वास्ते अल्लाह अंत साहेब फी सफर हुण मुकदी गल अल्लाह पाका सफर दे अंदर साडा भी ख्याल करे ते हजर दे अंदर मेरे लथे हुए बूहे दा भी ख्याल करे ये कौन था थोड़ा जहा कह पैर तिलक पवे फरिश्ता लख लाना ते जावन वाली दे मुंह ते फिटे मुंह तेरा कमाल है जेड़ा घर सारे दा सारा खुला छोड़ के आया खला है मुहम्मद पाक ही हो जाए तो सबक पढ़ाया जो जरी बेले च रमक की काई नहीं लचक की काई नहीं आई फट आता है अल्लाहुम्मा इन्नका अंत साहिबु फिस सफर वल खलीफतु फिल अहल वल माल अल्लाह तू साडा ही साथी बन सफर दे अंदर ते वल खलीफा तो मेरे उस बकरियां दो बधियां खलियां मेरे कुंडे लथे पैन मेरे माल ते मेरे घर दे विच खलीफा ही तू बन अल्लाह नू क्या दा तू के बन खलीफा अंदाजा लगाओ अज बादशाह दे खलीफे होंदे ना ते ये सही जा गद्दी नशीन दा खलीफा है ये फलाने बजुर्ग दा खलीफा है साहबी मुहम्मद पाक दा खला दा अल्लाह तू साडा खलीफा बन मालूम होया अल्लाह हर दा खलीफा है अल्लाह दा खलीफा कोई नहीं जिहड़े आते ना इंसान खुदा दा नायब खलीफा है कट्टर काफिर है खलीफा सिर्फ अल्लाह ही बन सकता है खलीफा उसनू आदे ने खलाफा मिन बाद ही खल्फ यखलुफ बाज़हू बाज़ा वयाती मिन बाद ही जेड़ा पहले वन्यन वाले दी गद्दी संभाल सके हर दिन गद्दी संभाल सकता है एक अल्लाह संभाल सकता है और कह दी ताकत का है यखलुफ बाज़हू बाज़ा वयाती मिन बाद ही अल्लाहुम्मा अंत साहिबो फी सफरे वल खलीफतु फिल अहले वल माल अल्लाह मेरे अहल ते माल दोहां दा खलीफा तू बने क्या मतलब जिवें अगे टुर वञण वाले दे पिछू हर शाय संभालण वाले खलीफे संभलेंदे हुण मैं टुर वञण वाले दी पिछू हर शाय संभालणी है तां तैं खलीफे संभालणी है ना कोई नबी संभाल सकदा है ना कोई वली संभाल सकदा है ना कोई गौस कुतुब अब्दाल संभाल सकदा है ना कोई छोटा संभाल सकदा है हर निक्की सुक्की नूं संभालण वाला कौन है खलीफा तो फिल अहले वल माल डायरेक्ट खुदा को मंगियास कि नहीं मंगे ए कुत्ते यार वधांदा कूस कूस मरेंदा किदू तवीद लवाए किदू हजरत दी कूजी पीवाए हजरत साहब दे शाह साहब दा मूत्र थोड़ा जा पी लवाए ता बच्चियां दी माई राणी निकल से वंते मियां मखदूम रशादियत हो लवाए फलाने बाबे घमकोल आले कोल वजाए उद्दे वजाए उद्दे वजाए लट कुत्ते यार सज्जे खब्बे फमदारा सी इने भजदे दी जिंद निकल वई सी छिते कुत्ते तरह मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है इस वास्ते मोमिन आदमी किले बत्था होंदा
ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਣ ਕੇ ਯਾਈ ਬਾਈ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜਗਾ ਰੱਤੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਹੋਵਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਤਾਵਲ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਬੂਆ ਲੱਥਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਤਾਲਾ ਬਾਰੂ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਇਆ ਆ ਗਿਆ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੌ ਤਨ ਆ ਲੈਣ ਉੱਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਏ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚਾਬੀ ਚਾ ਲੈ ਤਾਲਾ ਲਾ ਲੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਮੱਡੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਦੋਹਰੀ ਹੋ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟੇ ਕਾਏ ਸੈ ਕਾਏ ਆਦਾ ਦੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਆਮ ਤੇ ਖਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵਾਕਈ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋਰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਗਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨੂੰ ਅਕੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਇਹ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਲੱਖੂ ਖਾਂ ਕਰੋੜ ਹਾਂ ਲੋਕ ਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਬਤ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਵਧੇ ਗੁਜ਼ਰੇਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਲੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਟੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੀ ਹੀ ਜਾਏ ਭਰੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕਿਰਦਾਰ ਚੂੰਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਚਾਹ ਕੇ ਬਹਿਸ਼ਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੋ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪਲੀਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਚੰਗਾ ਦਾੜੀਆਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਉਹ ਜੇ ਉਜੜੇ ਹੋਏ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਰਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਾਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਜੋ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਉਹ ਸੀ ਇਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸੀ ਕੰਢ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਗੀਬਤ ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਕੰਢ ਪਿੱਛੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਸਨ ਤਾਵੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਸੇ ਜੇ ਦੂਆ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਖਾਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਕਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਖੱਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਨਾ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤਕੱਦਸ ਹੈ ਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਤਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤਸਵਰ ਤੇ ਤਨਵਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਹੂਦ ਔਰ ਨਸਾਰਾ ਦੀ ਹੁੱਜਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਨੇ ਨਹੂਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਗਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬਲੂਆਂ ਦਾ ਥੰਮੀ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਖੱਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਮਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾ ਉਹ ਰੌਣਕਾਂ ਕਿਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਇਹਦਾ ਸੁੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੀ ਜਿਤਨਾ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਸਬਤ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਲੜਾਈ ਵਧਾਏ ਕੋਈ ਕਿਹਦਾ ਹੀ ਫਜਦਾ ਵਧਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਕਰ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ ਉਸ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਲੀਆਂ ਸਸੀਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਾਂ ਕਦਾ ਹੀ ਮੋਮਿਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੇ ਇਹ ਸਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚਾ ਅੱਗੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੂੰ ਛੋਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ
अल्लाह जे सना लगदा ही तो मेरी झोले च ही पा छोड़। मोमिन इंज था आखसी कदे मोमिन आदमी अगू पांच तन ते त्राय तन ते पांच तन ए कदा ही ना कट के खुदा दे अगे पेश करे सी। एडा बेहया मोमिन नहीं होंदा, ए बेहयाई ते बेगैरती करेंदा ता मुशरिक करेंदा। वेख मोमिन क्या था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। आपे यहां क्या दे हथ बन के तमाम कमाल दियां सिफतां ए मेरे एक अल्लाह दियां हैं, होर किसे दियां कोई नहीं। जिथे भी कोई कमाल नजर आया ओ कमाल कहिंदा होना है, ना कह नबी दा ना वली दा ना पीर फकीर दा ना गौस कुतुब अब्दाल अवतार दा। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कमाल जिथे हैं, देवन दा कमाल, लवन दा कमाल, पर्दियां चू वेखण दा कमाल, पर्दियां दे पिछों सुनन दा कमाल, जमीन दियां तहां दे विचों जानन दा कमाल, समुंदरां दी ताह विचों मच्छी दे पेट दे अंधेरे विचों हूंगा सुनन दा कमाल, उजड़ियां नूं वसावण दा कमाल, रोंदियां नूं हसावण दा कमाल, यतीमां नूं धुर गम करन वाला कमाल, छुरगा जा ला के इं बगैर वसाए दे बदल नूं लाए जावन वाला कमाल, काली घटा उठा के विचू चिट्टी बारिश वसावन दा कमाल, ओ कछू कुमिया नू दरियावां समुंदरां दे अंदर रोजी देवन दा कमाल, ओ मियां किफायत दा कमाल, शिफात दा कमाल, विलायत दा कमाल, अमानत दा कमाल, सिदारत दा कमाल, ते कुदरत दा कमाल, तखलीक दा कमाल, तरजीक दा कमाल, तमलीक दा कमाल, तनवीर दा कमाल, तस्वीर दा कमाल, ताजीर दा कमाल, ईमान दा कमाल, कुरान दा कमाल, जबान दा कमाल, बयान दा कमाल, आवन दा कमाल, सावन दा कमाल, हार दा कमाल, मौसम दा कमाल, जौसम दा कमाल, अव्वल दा कमाल, आखिर दा कमाल, अंजर दा कमाल, अजदर दा कमाल, नबुवत दा कमाल, विलायत दा कमाल, इमामत दा कमाल, विलायत दा कमाल, शौकत दा कमाल, ताकत दा कमाल, सिदारत दा कमाल, शरीयत दा कमाल, तरीकत दा कमाल, हिम्मत दा कमाल, सुन्नत दा कमाल, मुद्दत दा कमाल, जिद्दत दा कमाल, खावण दा कमाल, पिलावण दा कमाल, मारण दा कमाल, जिवावण दा कमाल, अनावण दा कमाल, पावण दा कमाल, ते पवावण दा कमाल, सिवावण दा कमाल, ते जमावण दा कमाल, मारण दा कमाल, ते जिवावण दा कमाल, आवण दा कमाल, दिलावण दा कमाल, जो कमाल न जिथे कोई कमाल, एक कहेंदा नहीं लिल्ला तेरी। जितने कमाल मैनू किदाई सुनन ते नजर विच आए न मेरा अल्लाह, मैनू तेरी अन दरखास्त देवन तू पहले अल्लाह करीम दियां तारीफ बयान पे करेंदा बंदा। अगू क्या दा सारे कमाल क्यों, ये कोई पुछे मेरे कोलू जो सारे कमाल अल्लाह दे क्यों, मैं अगू आखसा रब्बिल आलमीन के 18,000 जहान दे परवरिश करण दा मुठ बन के अखीर तुड़ी कमाल तक पहुंचावण दा कमाल मेरे अल्लाह दा है, होर किसे दा नहीं। जदा सारे कमाल मेरे अल्लाह दे, एक ता रब्बिल आलमीन परवरिश करण दा कमाल कहिंदा कहिंदा किसे पीर दा नहीं, किसे नबी दा नहीं, किसे वली दा नहीं, किसे गौस कुतुब अब्दाल दा नहीं। बच्चा पैदा होंदा है मां दे पेट विच, उते किवें होंदा है, अल्लाह फरमांदा है सुम्मा अनशाना ओ खलकना खरा, मैं तेरी मां दे पेट दे अंदरू हो के अपनी रहमत ते आसानी ते कुदरत नाल इहो जिहा थक्का दित्ता है जे तू पुलक के बाहर आ पिया है, वरना इहो जिहे रस्ते तू तेरी मां दा लाल वी कोई तैनू बाहर नहीं कढ सकदा। अनशाना
ना हो खलकन ना खरा। मैं अपनी कुदरत दे नाल इयो जिया पिछू वन के बीटा लाइया के पता ही नहीं लगन दिता ते बाहर आ गया है। वत जेड़े वेले तेनू बाहर जमाया तू रोना शुरू कर दिता है। मां नू भी पता नहीं, बाप नू भी पता नहीं, तेरे पीर नू भी पता नहीं, फरिश्तियां नू भी पता नहीं, नबी नू भी पता नहीं, ओ खुद आदम नू भी पता नहीं, आदम दी बीवी हव्वा नू भी पता नहीं। ए रोंदे क्यों हैं? ए को रोंदे पैन या राग पगान देन? ती तू आ आ ची चा करे दे पैन। अल्लाह फरमांदा है गूंगी दियां रमजा मां जान दिए पर इस गूंगे दियां रमजा कहे नबी नू भी पता कोई नहीं। मैं आप कान लाया ते मैं वेख्या रोंदा जू पिया केड़ी वजह तू रोंदा है? एक तो इस वास्ते रोंदा है कि खिजा दी मोरी ओदी कटी गई है, दूसरा इस वास्ते रोंदा है कि ओदा जहान अगला खत्म हो गया है। मैं ओदे कान विच आख्या घबरा नहीं रब्बिल आलमीन, ओ घबरा नहीं बच्चा, ओ तेरे रोवन नू ते तेरे गावन नू तेरियां रागा नू ते तेरियां सौतां नू तेरियां रमकां ते तेरियां रागड़ियां नू कोई नहीं पिया समझेंदा। मैं समझ गया तेरा ए तू भुख दी वजह तू रोंदा पिया, घबरा नहीं। अलकाइना अला उम्मे के उम्मे का मोहब्बत मिन्ना, मैं अपनी मोहब्बत दी चादर तेरी मां ते चार दित्ती है। अपनी मोहब्बत दियां चादरां तेरी मां दे सीने ते चार दित्तियां, ओदा जर्रा जर्रा चीरिया कमजोर होया पिया है, मगर मेरी मोहब्बत दी चादर आवण नाल अपने दर्द उसनू भुल गए ते तेरा दर्द उसनू आ गया है। हुण इंज कने जिहड़े वेले तैनू हत्थां ते चाह के छाती नाल लावण लगे, नरम जगह लगी उथाई उतले हेठले होठां नू भीड़ देवे, मैं उतू खालिस नहर दियां दुधां नाल तेरा पेट भर के रख दे। अलकैतु अलैका मोहब्बत मिन्नी वाले तुसना अला ऐनी, जेड़ा तैनू वेखसी वो मुस्करा पौसी ऐनी, मेरी अखी नाल कोई वेखे हर कोई आखसी सुभान अल्लाह। नक किहो जिहा बणिया होया, अख किवें चमकीली बनी हुई है, मत्था किवें है, भावें मां दा पुत्र काला निखरवानी क्यों ना होवे, ओ बैठी आती उसी झोली च लाए के मैं बादशाह नू कुर्बान करा तैं काले लाल। अल्लाह अल्लाह रब्बिल आलमीन। वत जेड़े वेले दुध पींदा रहा, अल्लाह फरमांदा मैं अजे तुड़ी साथ नहीं छोड़िया, क्यों? मैं कौन हां रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात दे अंदर तैनू इंतहा तुड़ी पहुंचा के, तैनू अपने तकद्दस दियां चादरां दियां रमज़ा थले छपा के, तैनू मैं आठड़ा बुठड़ा कर छोड़ना है। जेले बुठड़ा होयो तां वी मैं अपनी रहमत नाल तेरे उत्ते साए नाल ढांपी रखना है। किवें वत जड़े वेले 28 साल दा हो गया है, 28 साल दा हो गया, हुण अल्लाह करीम फरमांदा है किदा ये वड्डा हो के किदा ही से मां नू ही रब ना चा समझे, इनू इहदी तद मैं त्रोड़ा किदा ही इनू पता लगे जो रब मेरा कौन है, ना मेरी मां रबे, ना मेरा प्यो रबे, ना मेरा नबी रबे, ना मेरा खानदान रबे, ना मेरा वली रबे। इस वास्ते अल्लाह करीम फरमांदा मैं के कीता है, जिले 28 साल दा होया मैं ओदे छोटे छोटे दंद पैदा कर दिते, उतले तलवे बीड़ रला के, जेड़े वेले मां सदके घोले हो के छाती ते पई लैंदी है, अल्लाह ओदे कान्ने चादा है उतले ते तलवे रला के थोड़े जे जपीर जलूल होई सू ते जपीर यास, उस आपू जान जलूल मठी कीती है ते मां दी हे हलका उमर। हुण तां इक कपेंदा ते वठेंदा ते टुकेंदा ते खांदा है, अपनी छाती ते गूहे पई मलेंदी है दवाइयां, हुण मेरी छाती दे काबिल नहीं, मासियां फुफियां आ के चाहदियां मगर रोवना बंद नहीं पिया हुंदा। अल्लाह करीमा दा चुप कर चुप कर, छेड़ू सट खतेंदे पर साई कदे सटेंदे कोई नहीं, ए तेरे साई नहीं ए तेरे छेड़ू अन ते रब मैं आ, होर कोई रब कोई नहीं, तेरी मां दे पेट च तेरे कोलू इक रस्ता लिया ते
मां दी छाती ते दो दिते ते जे हुण दो खसींदे पैन ते दो दे बदले चार दिसाएं घबरा नहीं। सारी दुनिया दे दुध भी तेरे हवाले, गोश्त भी तेरे हवाले, अनाज ते गल्ले भी तेरे हवाले ते फरूट भी तेरे हवाले। एक लिया ते दो दिते दो लैन ते चार दिते। ते जेकर बंदे दा पुत्र बन के किरदार सच्चा कितोई, इन्ना अकरबा को मैं लाए अतका को, जेकर किरदार चंगा कितोई ते चार जे लवें लगसाएं तेरे कोलू, दुनिया दी जिंदगी मुकदे होया ता अठ दरवाजे खुले बैठते तेरे हवाले कर दे। रब्बिल आलमीन है कि नहीं? खा मखा लट कुत्तियार वदा इदे ही वाच मरेंदा है ते इदे ही वाच मरेंदा है। उदू दुआ चकरा भी या उदू फलाने दा हाथ दे विच बड़ी तासीर है, नुस्खा लवाया ता खैर वन्या। अल्लाह फरमांदा इन्हें खले ही खावने नी, उम्मीदा दी जा है ता एक अल्लाह पाक दी है जड़ा तरबियत दा ठेकेदार है तेरा, और किसी दी ताकत नहीं। अल्लाह जल्या अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल, आखो तुहाडा कुछ नहीं लगना, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल, ये जल्ले आता या गुआ था अर्रहमान अर्रहीम। सारी कायनात विचू रहमत भी तेरी उच्ची है, होर किसे दी नहीं। केडी चसाइयो सी उस छुहर नू जड़ा अठ साल दा बादशाह दी अदालत चाया खलाए, जिनू मां प्यो वेच छोड़िया है, बेदाग बेऐब पुत्तरे बादशाह दी टीम खरीद करके घिन आई है, जो बादशाह नू बीमारी है ज़बा करना है, दे गाटे दी रत घिन के माजून बना वे अथी बादशाही घिन किन्नो बुठड़ी ते बुठड़ा, पैसे भी घिन किन्नो। इयो छोकरा दे ओ जड़ा अठ साल दा थे ओ साड़ी अखी दे सामने इयो हेके, मरेंदिया मरेंदिया मां बाप दा दिल ता खिसकानी हो गया, उन्ना वेच दिता है, चुप करके टुर पिया है बादशाह दी टीम नाल। दा हालब दे शहर दा वाकया है, जेड़े वेले टुरिया है बादशाह हबीब बिन मजाहिर दी अदालत विच आंदा है, बादशाह जेड़ा बीमार आ जिंदी खातिर बच्चे नू ज़बा करना ने, ते गाटे दी रत दिया नाल सीखा बना के ते मजूना तैयार करके बादशाह नू खवावणिया ने, उसनू बीमारा बीमार नू लायांदा ने, तख्त आके बिठाया ने, आदमी अठासना दे के बैठे हैं। बादशाह पुछदा ओ बच्चा मिल गया है जेदे वास्ते 500 हबीब। हकीम ने फतवा दिता ते काजी ने कि इहो जिहा बच्चा होवे ते उहनू ज़बा कीता जावे। ओ बच्चे नू ले आए अदालत दे सामने खड़ा कीता, जल्ले खड़ा कीता गया है चुप करके नीवियां पा के खला है बच्चा। काजी उल कुजात आ गए, तबीब आ गए, हकीम आ गए, पूरी तौलर शाही मौजूद है, बड़ी दुनिया हैरान है, कई घेरे पाए पाए के मरदे पहन जो एडे हां दे हतड़े मां प्यो असा अगे अज थोड़ी नहीं वेखे, जिन्ना चंद टकियां दे पिछे अपने बच्चे नू फिरोद कर दिता है। ते कई खुश पए होंदे, चलो बादशाह दी जिंदगी तो बच पौसी, एक बच्चा होया ते भावे ना होया कोई अर्ज नहीं, सन्नाटा छाया होया है, अदालत लगी हुई है, गिलाद चूड़े आए खलन हत्थां च छुरियां ते कुहाड़ियां करके तलवारां लाए के, ते इक इक सोने दी तश्तरी भी उन्हां दे कोल है कि जिहड़ा पहले वार हो गया वो खून पड़े छलई सी 8 साल दे बच्चे दा, वो खलोते बादशाह दे चेहरे दरवे ते, हत्था के सारी दुनिया कायम है, काज़ी उल कुज़ात ते वड्डे वड्डे काज़ी एक पासे खले आए, एक पासे तबीब ते हकीम, दोहां ने ताड़ी इंज करके हाथ मारिया तबीबा ने, उन्हां भी इजाजत दित्ती है जो सभा कर दिओ, ते काज़ियां दे इशारा कीता तो उन्हां ने भी इंज कर, उन्हां ने इंज करके कीता ते इन्हां ने इंज करके ताड़ी मारी है कि भावें पुट्ठा रखो ते भावें सीधा बादशाह दी खातिर नूं ज़बा कर। बादशाह ने इदिया दे वेख के आखिरकार बच्चे दे वेख्या है, जिहड़े वेले बच्चे दे वेख्या ते बच्चा उत्तम मूंह करके होठ हलाए नुस दो त्रै वारी, या बादशाह ने उहदे होठां ते हरकत वेखी है, ख्याल चले आया अपने तख्त उते बच्चे दे पैर च आ डठा है, बेहोश हो गया है, तलियां मलियां ने होश चाया है, तख्त बिठाया है,
तख्त बैठ के आता है, हुक्म देंदा है उस बच्चे नू मेरे पास बुलाओ सभा न कर। इन हल तो कान नमा मैनू हुकाल मैनू अल्लाह भी कसमी ने मेरा वजूद इंजो गया है जेनू कदाई बीमारी लगी भी नहीं। हुण बच्चे नू ला जाओ, बच्चे कोलू एक गल पुछनी है। बच्चे नू आदा है दस, ए बच्चा जड़े वेले उत्तम करके होठ लैंदा खला है, उतू कौन खला या जिहदे नाल गल्लां कीतियां नी। ओ बच्चा आदा है जनाब सच्ची पुछे तां मैं जड़े वेले टीम तेरी गई है मेरे मां प्यो कोलू, जेले मैं वेख्या कि मेरे मां प्यो ने वेच दिता है, मैं टुरदी वेरी अपने मां प्यो नू सलामा लेकी नहीं कीती। क्यों? मैनू पता लग गया कि रहमत इन्हां दे दोहां दे दिलां चों खत्म हो गई है। मैं जड़े वेले उत्थों टुर पिया अगां आया ते मैनू उम्मीद आई कि सब सारी दुनिया तों वड्डा जिहड़ा तबीब ते हकीम हुंदे ने ए मेहरबान हुंदे ने। जेले उन्हां ताड़ी मार दित्ती है मैनू पता लग गया कि इन्हां दे दिल च मेरे हक दे हिस्से दी रहमत कोई नहीं। वत मैं काजियां देर वेख्या है, काजियां ने ताड़ी मार दित्ती है ते बादशाह तां सारे तो वड्डा मेहरबान हुंदा है, ओ तां इजाजत दित्ती बैठा के काजी आखिन तां फौरन सभा कर दिओ। जेले मैं वेख्या दुनिया च मेहरबान कोई नहीं, दुनिया विच मेरे हक दे अंदर मेहरबान कोई नहीं, उत्तां वेख के मैं आख्या तू भी सौदा कीती खलाए के नहीं। जे तू भी मेरे नां दा सौदा कर छोड़िया है तां दस कोई होर दरवाजा जिथे वाए के मैं के झुका। मैनू तां पता रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम तेरे नाल दा मेहरबान कोई नहीं, सारी दुनिया विच रहमत मुक गई है, तू दस अल्लाह तेरे च मुक गई है तां किदा ही होर दे ठिका दे मैं किदा ही लगा वन्या। मैं तां इया गल कीती है बादशाह दा वत इया गल कीती आई तां रहीम डाठा टकरिया है, तेरी जान भी बच गई ते मेरा बख्त इकबाल भी बच गए। अर रहमान केदा भोला ते उल्लू दा पट्ठा है मुशरिक, जिसनू अपने परा दी तमीज ते पहचानी हार दे अगे वधे पूछ ली मरेंदा ते कूस कूस। अल्लाह जानदा जिहड़ा किसे दी नाजायज खुशामद करेंदा इहदे नाल दा काफिर 14 तबकां च कोई। खुशामद करनी चाहीदी ते कहिंदी करनी चाहीदी? इक अल्लाह पाक दी नबी दी खुशामद ही जायज़ नहीं। ये तो बंदे बंदे ते टप्पे टप्पे ते जाके अपना कीमती मत्था बिछा रहा है बंदा, खुशामद च झूठ बोलेंदा है, खुशामद च आके झूठियां गवाहियां दे सी, खुशामद च आके दूसरे उते इल्जाम ले सी, खुशामद च आके क्या ही पापर वेल करेंदा है। ये उस वक्त इसका खुदा नाल ईमान होंदा है किथे होंदा है ईमान? इस वास्ते अल्लाह फरमांदा है अपना किरदार सही करो। निस्बता नाल कोई छुटकारा नहीं होना, जे निस्बत नाल छुटकारा हुंदा तां नूह अलैहि सलाम नूं खुदा झिणका ना देवेया, जे निस्बत नाल छुटकारा हुंदा तां इब्राहिम अलैहि सलाम इन खाली रोंदा ना वन्या। निस्बत नाल अगर छुटकारा हुंदा तां मुहम्मद पाक अपने चाचे दे मैयत तों रो के ना हटे। हां जिले हट के गए पिछू हजरत अली आए वादन इन्ना अम्मा का शेख जाल कद माता या रसूल्ला तेरा बुढ़ा फरतूत गुमराह चाचा मर गया। नबी पाक फरमांदे ने फज़हब फवारे वन ते पूर सटे वन ते क्या करे पूर सटे, जिवे नजस ते पलीत चीज नु पूर सटेंदा अल्लाह दे रसूल दा वन पूर सटो, मेरा कोई ताल्लुक नहीं ओदे नाल। तू मैं कौन है कायनात च? हां बंदा जेड़े वेले आदा अर रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन दिन कियामत दे वी सारे दा सारा इख्तियार कहिंदे हथ विच आउणा है। अगों चलदियां चलदियां बंदा आदा है इया का ना बोदो वैया का नस्ताईन, अल्लाह मैं एडा आजिज ते जलील हां तेरे दरवाजे तो बगैर होर दरवाजा मैनू झलिया कोई नहीं, इस वास्ते मैं तेरे दरवाजे ते आ गया ते आके के खलाना ए दिन सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह
अल्लाह करीम फरमांदा है एडा आजज हो के आया है ते एडा जलील हो के आया है मेरे नाल कई गल करूं है। अगू वादा मैं वादा यो करे ना जेड़ा कुछ डेसू ते को डेसू जेड़ा कुछ खिनसू तै कोलो खिनसू होर किसे कोलो ना खिनसू जे आज दियां देवणियां त तै हिक नू जे शाहजोरियां लैणियां त तै हिक कोलू विच कोई वसीले ते वास्ते कोई नहीं लै आवणे। अल्लाह हुण असां अल्लाह फरमांदा चंगा ए वादा हो गया हुण मग जो कुछ मंगणा ही तू मंगदा ना थक ते मैं तैनू देंदा नहीं थकदा। अगू वादा ए दिन सिरातल मुस्तकीम अल्लाह भावे दीन दा होवे ते भावे दुनिया दा मैनू इहो जिही पक डंडी ते चलाई रख जिहड़ी सिद्धा तुप तेरे नाल मुलाकात करा देवे सज्जे खब्बे ना वंजण देवे सज्जे खब्बे ना वंजण देवे। अल्लाह फरमांदा है एक गल नहीं ये जे तू मंगदा पिया है दीन दा ठेका तू चा लाए ते दुनिया दा जिम्मा मैं चा लई दीन दा मामला वे ते तू सुस्ती ना पिया करें जे तेरे टुकर दे देवण दा मामला आया ते मैं सुस्ती कदे नहीं करनी। وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها نحن نرزقك والعاقبه للتقوى لا نسالك رزقا ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين سودا کر لویے اللہ دا हो गया सौदा बंदा दा बिल्कुल ठीक है मैं दीन तेरा जेड़ा मैं छड़न वास्ते तैयार नहीं मैं कई निस्बता कोई ना गठे सा मैं ता तेरा रास्ता ही अख्तियार करना है पर मेरी आज यही एह देना मैनू इसे रस्ते ते चलाई रखे थिड़कन ना देवे केड़ा रस्ता या कना बोधो वही या कना सैन जेड़ा कुछ देवना है तैनू देवना है ते जेड़ा कुछ मंगना है तेरे कोलू मंगना और विच कहनू नहीं आवन देवना इस रस्ते ते मैनू चलाई रख ते मैं तेरे कोलू मंगदा पिया लोग वसीलिया नाल मंगदे मैं हवाले नाल मंगदा पिया केड़ा सिरात लजीना आना अंत अलैहिम नबी भी तेरे दरवाजे तू मंग गए वली भी तेरे दरवाजे तू मंग गए शहीद भी तेरे दरवाजे तू मंग गए सालहीन भी तेरे दरवाजे तू मंग गए इन्ना सारिया दा सना लगदा ही त मैं गरीब नू भी एह दे नसेरा तल मुस्तकीम रसूल पाक आदन जिले बंदा अल्लाह नूं सनाह देंदा है अल्लाह त्राय वारी कसम चा के आदा है अल्लाह दी कसम है तेनू उंजे दे सा जिवें मंगदा पिया अल्लाह दी कसम इनू अपने अल्लाह होण दी कसम है जिवें मंगदा पिया उंजे दिसा है अगू नाला पदा है गैर मगजूबे अलैहिम वलज़्ज़ालीन अल्लाह उन्हां दा तां मैं हवाला तैनू दिता है कि नबियां वलियां पीरां गौसां कुतबा बदालां इन्हां दा वसीला कोई नहीं हाँ हवाला देंदा पिया जो ये भी तेरे दरवाजे तू पिंदे गए ते मैं भी पिंदा खलां वह भी मंगदे गए ते मैं भी मंगदा खलां उन्हां मंगदियां दियां झोलियां भी भरियां नहीं ते मैं मंगते दियां झोलियां भी भर दे मेरा अल्लाह। अलबत्ता तैनू अगू एक नाल गल करे ना जो लोग यहूदी जिन्हां ते तेरी लानत आई है वह नसरानी जिहड़े आंदे दे रस्ते तू भूल गए मैनू उन्हां दे राह देर वंजन देवे नहीं उन्हां दे राह देर यहूदियां दे राह दे उत्ते जे गयों तो उन्हां दी कुठी खावनी पौसी ईसाइयां दे राह ते गयों तो उन्हां दियां छोरी लवणियां पौसन उन्हां दे कोलों रिश्ते लवणे पौसन उन्हां दियां कुठियां खावनियां पौसन मैनू यहूदियां ते ईसाइयां काफरां दे राह ते वंजन देवे नहीं। कई समझ आ दी पई ने हां है ते मोमिन आदमी से सूरत फातिहा ची सारा दीन बयान कर छोड़े अजन भी जेड़ा बंदा सूरत फातिहा ही पढ़ता है तो उसमें दीन का पता नहीं होया उल्लू का चरखा के नाम इस तो वड्डा बेवकूफ और कौन है जाहिल सारी जिंदगी पढ़ता ही रहा सूरत फातिहा ते पता ही कोई नहीं सुजू मैं सूरत फातिहा अल्लाह नु क्या आख्या अल्लाह मैनू क्या आख्या। सब तो पहले ज्यादा समझो अल्लाह दे कुरान नु समझो भावे बुढ़े ही हो गए ये कुरान पढ़ने च आर नहीं समझनी चाहिए जेड़ा दीन को शर्म करेंदा है अल्लाह उस को शर्म करके जहन्नम में सट देंदा है। ये कोई मेहनत की गल नहीं
किरदार सही होवे बंदे दा। अल्लाह फरमांदा सानू प्यार किरदार नाल। ओ देखो जे मोमिन आदमी कदा ही मंगसी भी सही ना अल्लाह कोलो ते दिल मंगसोस ना जो वसीला पेश करा ता इंज ना आखसी कि अल्लाह फलाना दा वसीला ही ते फलाने दी थ्रोई ही फलाने दा मुहाबे ना क्या आखसी अल्लाह जे तू मेहरबानी करे तो को साडे वास्ते वसीला आप बना चा साडा वसीला ही को तू है होर कोई। ए मोमिन दी अदा अल्लाह ने कुरान जिक्र की जे कोई वसीलिया नाल काम करना ही साडा ता आप बना चा वसीला साडा वसीला सिवा तेरे होर कोई नहीं तू साडा हीला ही तू वसीला ही तू हवाला ही तू। अल्लाह दी गैरत नू चैलेंज मोमिन नहीं देंदा जे दिल मंगे ही सही वसीले दा। क्यों आखिर वसाइल अल्लाह बनाए ता हिन दुनिया च बंदा जो टुकुर खावन बहे ता हाथ हलावना वसीला है के नहीं बोलो ये ना पट्ठे वढ़ने हो उस ता दात्री हाथ चलाए के हरकत देवन वाला वसीला है के नहीं आखिर वसीला ते बनाए सुना इन तने से बनाया पे हाथ बन के बैठ रहो तो क्या को अल्लाह आप दे अल्लाह आप दे अल्लाह आप दे वो तो बंदा है ही काफिर। वसायल तो है मगर इन हथा पैर ताकत न समझे ताकत समझे कहीं दे हाँ इतना फर्क मुशरक आदमी वसीले च ताकत समझेंदा है मोमिन आदमी वसीले च ताकत। शाह अब्दुल अजीज नहीं पे वेंदा घोड़ी ते चढ़ के देहात नाल बेर दा दरख्त आई उहदे तले दो लेटे पयान उताने एक जो डिठा तो उसी इंज करते इशारा की वो एक मजहब आए भाई हाथ पैर नहीं हलावना ते आप पे साडे मुंह विच कह सकना। शाह साहब और अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी उदाई घोड़े दी वाग चपरती गए आखन लगे के गल है ओ एक आखन लगा घोड़े तू लाया मेरे सीने ते बेर डठा पियो चा के मेरे मुंह विच चला ओ साके हराम ते जेड़ा तेरे नाल कन्यो रुपया जागदा जो पिया है ये इसनु चा आखिया ओ बोलिया ओ साक्या कल मेरे मुंह च कुत्ता मुतरेंदा रहे इस नहीं भजाया ते मैं बेरे दे मुंह च आके रखा। वाह भाई वाह तू आप लाया ते आपे ए वैदी मतलब पे हाथ हलावना नहीं ते आपे इयो जे दे मुंह च कुत्ते मूतर वंजन ताई उना दे अगू उतलावण वाला कोई नहीं होंदा। अल्लाह वसायल बनाए ना हाथ पैर हलाओ हरकत करो अल्लाह बरकत देंदा पर हरकत च असर तुसा ना समझो हरकत च असर सट्टण वाला ही कौन है। अल्लाह अल्लाह नतीजा निकलिया मुसलमान आदमी जेड़ा है जेड़े वेले वसीला मंगदा है तो क्या था अल्लाह तू आप कई तजवीज कर चा मेरे नजदीक सारा कुछ तू है अगर तेरी मर्जी भावे खूह खाते भावे खालेगा। इो जे अकीदे वाले बंदियां दा अल्लाह बड़े शौक नाल कुरान च जिक्र किया। अल्लाह पाक आता है मेरा पैगंबर तो हिजरत करके आ गया पिछू रह गए बुठे मर्द ते बुठड़ियां औरतां मासूम बच्चे जेड़े ना सफर करन जोगे ना लड़न जोगे ना फिरन जोगे ते कमाले ना रोवन जोगे रोवन ही ना देवन हरामी जिभा बुठू आके कट लवेन ते आखन सड्डो हुण मुहम्मद नू किथे ही दे राती मार मार के जिले थक पवेन कपियां हुई जिपा नाल बंदे अल्लाह नू सड मारे बंदा तो जिप कट्टी हुई नाल गल नहीं समझ सकता ते दिलां दे राज बुझण वाला कौन ओ दिल च खलो के क्या ध्यान रब्बना हाय हाय अल्लाह वड़े शौक नाल जिने कोई इस नू कुरान दी दरखास्त नू बना के मुहब्बत ते नाजिल चकी मालकुम अल्लाह तुकातिलून फी सबीलिल्लाह ओ मदीने चाहे ओए मुसलमानों उठो ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह क्यों ने लड़ दे अल्लाह दे रस्ते दे अंदर क्यों जो वल मुस्तज़फीन मिन अर्रिजाल वन्निसाए वल विल्दान यकूलून रब्बना
آخر جنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وہ بڑے بڑے بوٹھے مرد تے عورتاں معصوم بچے جڑے انہاں نوں پتہ تا کوئی نہیں جو کے آکھنا ہے ہاتھ وی اوتاں کیتی کھلوتے ہیں انہاں دے کٹیوں یا جیبھاں لے ماں پیو اپنے دل دیاں گہرائیاں وچ آوازاں کہہ کٹ کے کیا دین آدن ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. كيا دن ربنا او رب ساڈیا سانو آپ کٹ مکے ظالمہ والی وستی چو سانو آپ کٹ اے ظالم جڑے مکے والے سانو آپ کٹ دے میرا اللہ اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها انہ ظالماں دے گھراں وچوں ظالماں دے شہر وچوں سانو کٹ تے کٹ کیویں کر کے آپ کٹ سد تینوں اکسائے اخرجنا ڈائریکٹ آپ تینوں اتھے پیا توں کٹ ساڈا تا کوئی وسیلہ تے ہیلا کوئی نہیں ساڈا کوئی حوالہ کوئی نہیں آپ کٹ تے جے کر کے وسیلے نال کٹنا ہی آخر بیت اللہ نو تا اپنے ابابیلا دے وسیلے نال بچایا یا اپنے فلانے شہراں نو تک کھگڑیاں وسا کے بچایا ہی آ جے ساڈے واسطے ہی کوئی وسیلہ بناونا ہی تا آپ بنا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا اپنی طرفوں آپ بنا کوئی وسیلہ بناونا ہی تا ساڈا وسیلہ تا ہور کوئی نہیں سوا تیرے او انج کھلیا دین وجعل لنا من لدنك نصيرا تے جے کہے امدادی نو اٹھاونا ہی تا ساڈا امدادی تا تو اے آپ تا اپنے طور تے بھاویں کہے پرندے نو چا اٹھا بھاویں اپنے طور تے کسے فرشتے نو اٹھا تاں جو اللہ اُدھوں سڈ مار کے آ کے او